हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट आबू होटल की इस होटल में हम रुके थे ये थ्री स्टार प्रॉपर्टी थी इस होटल का नेम आपका है सिल्वर ऑक होटल ये देखिये कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है और ये इनका गार्डन एरिया है जिसमें रात को जो है इनका गिटार शो भी होता है यहां पर इनके पास टू टाइप्स टू टाइप्स के रूम अवेलेबल थे फर्स्ट वन इज जो की गार्डन व्यू वाला रूम था एंड सेकेंड वन इज नॉन गार्डन व्यू वाला रूम पीक सीजन में इनके प्राइस जो है वो टेन तक रीच करते हैं जो कि गार्डन व्यू वाला रूम है वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम अवेलेबल है या नहीं है अगर ज्यादा रूम अवेलेबल होती हैं तो ये नाइन्टी फाइव हंड्रेड तक का या नाइन थाउजेंड तक का मिल जाता है आपको रूम और जो नॉन गार्डन व्यू वाला रूम है वो आपको एटी फाइव हंड्रेड तक का मिल जाएगा ये देखिए हम यहाँ पे रात को पहुंचे थे जैसे मैंने आपको पीछे अपनी जर्नी वाली वीडियो में बताया था आबू रोड पे हमने ट्रेन से सफर किया था अगर आपको राजधानी का सफर देखना है तो आप वो जाकर देख सकते हैं मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने सबसे पहले हम पहुंच गए थे तो इनके पास उस टाइम अवेलेबिलिटी थी तो इन्होंने रेस्ट के लिए हमें सुबह मॉर्निंग में सिक्स ओ क्लॉक ही रूम अवेलेबल करवा दिया था और ये देखिए ये इनका ये कॉरिडोर है फर्स्ट फ्लोर का नीट एंड क्लीन कॉरिडोर एकदम एंड रूम जो है ये नॉन गार्डन व्यू वाला रूम था और आप अवेलेबिलिटी पे जो है ये बजट होटल है ऐसा नहीं है इनके प्राइस हमेशा इतने ही हाई रहते हैं आपको यहाँ पे सिक्स सेवन थाउजेंड तक का भी रूम मिल जाएगा वो डिपेंड करता है इनकी अवेलेबिलिटी पे अब ये देखिए ये रूम में जो है एक सोफा कम बेड दिया हुआ था एक किंग साइज बेड दिया हुआ था एक केटल्स वगैरह दी हुई है आपको प्रॉपर टी एंड कॉफी के आइटम्स एंड ये वॉशरूम था इनका वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन था और रूम के टेरिफ के हिसाब से मुझे रूम अच्छा लगा बिकॉज इस टाइम कहीं पे भी रूम अवेलेबल नहीं थे जो आपकी स्टार स्टार एंड प्रॉपर्टी थी माउंट आबू में तो मुझे ये रूम अच्छा लगा मैं फर्स्ट टाइम आई हूं इस होटल में और ये गार्डन व्यू है इसका मॉर्निंग में देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग की है ये पिक्चर बिल्कुल नाइन ओ की और ये देखिए कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है यहाँ पे और माउंटेन पे है ये बिल्कुल जो आपका होटल है ये बिल्कुल माउंटेन पे है और बिल्कुल मेन रोड पे है यहां से नक्की लेक और आपका जो मार्केट है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका पड़ता है ये इनके जो सबसे बेस्ट रूम है जो कि गार्डन व्यू वाले रूम है वो रूम मैं अब आप आपको दिखा रही हूँ ये इसमें किंग साइज का बेड लगा हुआ है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम छोट छोटी छोटी यहाँ पे थ्री डी पेंटिंग लगा रखी हैं मिट्टी से बनी हुई आई थिंक तो ये आ, क्लीन था एकदम रूम ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा भर रखा है इन्होंने स्पेशियस था और रूम अच्छा था ये ए लगा हुआ है फैन इन्होंने ऑन कर रखे थे बिकॉज हाउस कीपिंग अभी अभी हुई थी तो इसलिए इन्होंने स्प्रे करके फैन ऑन कर रखे थे ये फ्रिज दे रखा है जो कि खाली था और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने कंबल एंड पिलो आपको प्रोवाइड करवा रखा है ताकि आपके साथ अगर बच्चे आते हैं जैसे फाइव ईयर्स तक के बच्चे जो है उनका कोई कॉस्ट नहीं लगता है और फाइव ईयर्स से बड़ा बच्चा है तो उसका एक्स्ट्रा बेड लगता है और उसका अकॉर्डिंगली चार्ज भी लगता है ये सोफा दे रखा था टी कॉफी पीने के लिए अब ये मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ वॉशरूम इसके नीट एंड क्लीन वॉशरूम थे और वेल मेंटेन प्रॉपर्टी थी हर चीज आपको जगह पे मिलेगी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से जो है मेंटेन करी हुई प्रॉपर्टी थी और ये इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट था जो कि थी बालकनी यहां पर आप टी एंड कॉफी पी सकते हैं चेयर पे बैठ के और सुबह की सनलाइट ले सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू था माउंटेन्स का और ग्रीनरी का बर्ड्स की क्रिपिंग की आवाज आ रही थी तो ये रूम परफेक्ट था और इनका सबसे कॉस्टली जो रूम कह सकते हैं हम वो यही रूम था इनका जो कि गार्डन व्यू वाला रूम है अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कि इनका नॉन गार्डन व्यू वाला रूम है चीजें अंदर बिल्कुल सेम है सिर्फ वहां यहां पर बालकनी नहीं है ये किंग साइज बेड इन्होंने दे रखा है सोफा है विद टेबल है आपके खाना खाने के लिए आराम से और यहां पे सामने टीवी लगा हुआ है टी कॉफी मेकर है आपका फ्रिज है हर चीज इन बिल्कुल सेम है सिर्फ इसमें बालकनी नहीं दे रखी है आपको तो ये बिल्कुल रूम बहुत सुंदर था ये देखिए पीछे से व्यू इसका कुछ ऐसा आता है तो ये चीज बस इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक थी अदरवाइज ये बहुत अच्छा था ये आपका ड्रेसिंग टेबल दे रखा है एंड ये वॉशरूम था जैसे मैंने बताया वॉशरूम वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे लाइटनिंग बहुत अच्छी थी इनकी सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर इन्होंने दे रखी थी प्रोवाइड करवा रखी थी जैसे शेविंग किट हो गई आपकी डेंटल किट हो गई है शैम्पू हो गए सब चीजें थी और यहाँ होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सिक्स टू एट पीएम तक जो है एक कठपुतली शो रहता है पपेट शो रहता है और ये भी बच्चे काफी इंजॉय करते हैं यहाँ पे आफ्टर दैट यहाँ पे जो है आपका एट टू टेन लाइव गिटार शो रहता है एंड ये काफी अच्छा था यहाँ पर बोर्न फायर लगाई जाती है स्पेशल गेस्ट के लिए और यहाँ पे बैठ के आप डिनर जो है विद ब्यूटिफुल वॉयस आप इंजॉय कर सकते हैं देखिए सुनिए इनकी वॉयस कैसी थी अब आता है आपका ब्रेकफास्ट का पार्ट ब्रेकफास्ट में देखिए इनके लाइव काउंटर लगता है जिसमें कि या तो डोसा मिलेगा आपको या उत्तपम उत्तपम सर्व होता है उसमें और आज उत्पम बन रहा था तो ब्रेकफास्ट इनका ओके था मैं बहुत सुपर नहीं कहूंगी लेकिन आ, ये मतलब अच्छा था ब्रेकफास्ट जैसा माउंट आबू का खाना है उसके हिसाब से काफी अच्छा था यहाँ पे आपके ब्रेड दे रखी थी जो कि आप टोस्ट करके जैम के साथ या बटर के साथ ले सकते हैं मिल्क था टी थी जो कि मिल्क बच्चों को बॉर्नमेटा मिल्क भी दिया जा रहा था ये गाजर का हलवा था एंड नमकीन वर्मेसिली थी ये आपका वड़ा आ गया है 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 के साथ स्टफ रखा हुआ है, ये कर्ड है आपका फ्रेश कर्ड ये सांभर है आपकी सांभर इनकी बहुत टेस्टी थी न, मतलब साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा था वर्मे सिली मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी ये जो है ये आपकी नारियल की चटनी है देन लसन की चटनी है एंड हरे धनिया की चटनी है ये आपकी इडली थी और यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे एंड ये मफिनस रखे हुए थे तो मुझे डेजर्ट पार्ट थोड़ा सा वीक लगा अदरवाइज अच्छा था ये पाइन मिल्क शेक भी रखा हुआ था यहाँ मैंने यहाँ पे हॉट मिल्क ही लिया था मेटा मिल्क बच्चों को अच्छा लगा था ये सीरियल्स थे आपके सारे तो ओवरऑल बहुत अच्छा था